हेलो फ्रेंड्स मैं सिन्नी मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई सिन्नी में करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही नए डिज़ाइन का चक्र के आकार वाला पैरदान जो कि काफ़ी ही सुंदर है इसका यूज आप डोरमैट के रूप में थाल पोस्ट के रूप में और पूजा आसन में भी कर सकते हो और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे वुल वो जो कि ऊन है हमारी वो है नॉर्मल सी ओ सवाल वाली ऊन है एक है येलो एक है ग्रीन आप हल्की मोटी ऊन से बनाएंगे और इसको बनाने के लिए नौ नंबर की जो है सलाई का यूज़ भी कीजिए ठीक है और आप इसे साड़ियों और चिन्नियों से भी बना सकते हैं जो कि काफ़ी ही अच्छा आता है इसको बनाने के लिए दो कलर की ऊन लेनी होगी ठीक है और साड़ी चुन्नी से बनाओगे तो दो कलर की साड़ी और चुन्नी होनी चाहिए आपकी और आप इसे मल्टी कलर से भी बना सकते हो जैसे कि ये वाला जो हमारा है ये वाला इसको हम हर जो ये बने हुए सब आपको चेंज करके बना सकते हैं बारी बारी से ये वाला ठीक है या तो इसको चेंज करके बना सकते हैं आप तो ये भी मैं आपको बताऊंगी बट आप लोग बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगी और अगर आपको मल्टी कलर में भी देखना हो और सीखना हो तो मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी अगर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग अगर आपको सीखना होगा तो तो चलिए इसको मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी बनाना कि इसको हमने स्टार्टिंग से कैसे बनाया है ठीक है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख सकें और अच्छे से समझ सकें और बना सकें आप तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बनाना और आप सिलाई ऊन साड़ी जो भी ये ले के है ले करके तैयार रहिए तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है दो कलर की बुल एक है हमारे पास पीला और एक है हरा जो कि काफ़ी सुंदर कॉम्बिनेशन है और उसको बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे नौ नंबर की सिलाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें बीच में रखना है अपना कलर पहले हम उससे फंदे डालेंगे तो हम बीच में रखेंगे अपना ये ग्रीन कलर तो हम फंदे इसी से डालेंगे और यहाँ पे मैं आपको बत्तीस फंदे से बताऊँगी इसको बनाना तो मेरे कई इस एक मैंने इसका ये अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है पहले भी तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए तो कई कमेंट थे कि बत्तीस फंदे तीस फंदे के बारे में पूछा जा रहा था कि तीस फंदे में कैसे बनेगा तो फ्रेंड्स ये तीस फंदे में तो नहीं बना सकते हम इसे हम बत्तीस फंदे में जरूर बना सकते हैं और अट्ठाईस फंदों से भी आप बना सकते हो ठीक है या तो दो ज़्यादा ले लो या तो दो कम ले लो तो मैं यहाँ पर बत्तीस फोज बता दी और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी जो है फंदे डालने हैं हमें ऐसे ऐसे करके हमें फंदे जो है अपने डालने हैं ये देखिए तीन हुआ चार तो फ्रेंड चलिए मैं इस, इसी कलर से अपने फंदे जो है बत्तीस कलर बत्तीस फंदे डाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई में जो है बत्तीस फंदे अपने डाल लिए बिल्कुल सिंपल से फंदे जैसे डालते हैं उसके बाद डालने के बाद ये देखिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं ये देखिए है। पहली सिलाई हमें उल्टी उल्टी जो है बना लेनी है यहाँ पे ये हमारे बत्तीस फंदे जो हैं इनको सभी को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है यहाँ पे एक सिलाई हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाना है पूरा लास्ट तक ठीक है आप टू के मल्टीपल फंदे लेकर के चाहे कितना भी बड़ा आप बना सकते हो इसका मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है चालीस फंदों में जो कि काफ़ी ही बड़ा आता है और आप इसे साड़ियों और चुनियों से भी आराम से बना लेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा दो कलर में आप इसे बनाइए या तो मल्टी कलर में भी आप बना सकते हैं इसको जो हमारे ये बीच का कलर है ना इसको आप चेंज कर कर के बना सकते हो काफ़ी अच्छा लगेगा वो भी ये देखिए यहाँ पे हम सारे फंदों को बना लेंगे ठीक है तो ये देखिए हमने बना लिया सारे फंदे जो जैसे थे हमने वैसे बना लिया यहाँ पे और अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से हमें यहाँ से अपने जो दूसरा कलर है हमारा ये येलो कलर इसको हम ऐड करेंगे ठीक है तो ऐड करना है यहाँ पे तो ये देखिए कैसे ऐड करना है ये जो दो फंदे हैं हमारे ठीक है इनको हमें येलो कर देना है ठीक है यहाँ पर दो फंदे येलो कर देंगे हम स्टार्टिंग से ही आपको करना है तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे या तो आप नॉट लगा सकते हो या तो जैसे मैंने किया वैसे कर लीजिए आप ये देखिए यहाँ से हमने दो कलर दो फंदे जो हैं हमने येलो से बना लिए इसको ऐसे फंसाते हुए चलिए यहाँ से इसको ऐसे ला लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ही अच्छे से डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो नॉट भी लगा सकते हो ठीक है मैं यहाँ से इसको ऐसे फंसा लेती हूँ ये देखिए और यहाँ से जो फंदे सारे हैं सभी को हमें ग्रीन से बनाना है बनाते हुए दो फंदा जो है हमें लास्ट का छोड़ना है और ये दो फंदा हमें हर बार छोड़ना होगा दो दो करके जब तक कि हमारे दोनों फंदे बराबर नहीं हो जाते दोनों कलर के ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है हमने दो कलर यहाँ से लगाया अपना ये जो हमने येलो कलर लिया था वो लगाया तो दो फंदे हम यहाँ से ग्रीन के जो है छोड़ देंगे ये देखिए यहाँ पे ये एक दो ये दो फंदा है हम यहाँ से आ जाते हैं इधर को आगे के साइड तो आगे के साइड से जो जैसा उसको ऐसे ही करेंगे ये वाला फंदा हम उतार लेते हैं और यहाँ से फिर जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेते हैं ये देखिए इधर साइड से हमें कुछ नहीं करना जो जैसे है उसको ऐसे बना लेंगे जो हमारे फंदे हैं तो दो फंदे हमने छोड़ दिया लास्ट में तो ऐसे ही करते हुए आपको हर बार दो दो फंदे जो है छोड़ते जाना है और यहाँ ऊपर के साइड से दो दो फंदे जो है ग्रीन को येलो करते जाना है जब तक कि दोनों फंदे बराबर नहीं हो जाए येलो के भी सोलह ना हो जाए और ग्रीन वाले भी सोलह ना रह जाए तब तक ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए ये देखिए ठीक है अब ये क्या करें ग्रीन को हम ऐसे पीछे करेंगे और ये येलो वाले को क्रॉस कराते हुए थोड़ा सा खींचते हुए आगे की ओर लाएंगे ये देखिए और लास्ट का फंदा जो है इसको हम सीधा बना लेते हैं ये देखिए ठीक है ये कुछ ऐसा है और अब इधर से देखिए फिर से उल्टी साइड से अभी हमने दो फंदा इसको हम उतार लेंगे और ये वाला फंदा जो है इसको बनाएंगे अभी दो था फिर से अब हम ये ग्रीन का जो है इनको दो करेंगे येलो से ये देखिए एक दो ठीक है अब हमारे पास चार फंदे हो गए तो ऐसे ही बारी बारी से दो दो फंदे करते करते हमारे पास सोलह फंदे इसके हो जाने चाहिए और यहाँ नीचे से हम फिर से दो फंदा जो है छोड़ देंगे बिना बुने यहाँ पे तो ये देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए तो ये देखिए फिर हमने यहाँ पे दो फंदे जो है इनको छोड़ दिया और दो फंदे पहले हमने छोड़ा था दो अभी हमने छोड़िए यानी चार फंदे यहाँ पे हमने छोड़ दिए और यहाँ पे एक दो तीन चार चार फंदे हमारे येलो के भी हो गए ठीक है फिर से हम पीछे कर लेंगे और यहाँ से ये वाला फंदा जो है इसको उतार लेंगे और सारे फंदों को बना लेंगे जो जिस कलर से है हम उसी कलर से बनाएंगे इधर से ठीक है ग्रीन को ग्रीन से येलो को येलो से सीधी साइड से आपको कुछ नहीं करना है ये हमारी सीधी साइड यहाँ से कुछ नहीं करना है जो जैसे है उसको ऐसे ही बनाना है इधर से तो मैं आपको वो और दिखा देती हूँ बाकी मैं और बना लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी तब तक आप भी ऐसे ही बनाते रहिए बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ तो आज मैंने यहाँ पे येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा है फ्रेंड्स आप भी एक लाइट एक डार्क करके कॉम्बिनेशन रखिए तो बहुत अच्छा खिल के आएगा और उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा ये देखिए अब हम ये फिर से उनको पीछे करेंगे और यहाँ से ये जो हमारे येलो कलर है इसको हम आगे की ओर लाएंगे ऐसे ठीक है तो ये देखिए ए दो तीन और ये वाला फंदा जो है इसको उनको पीछे करके यहाँ से हम सीधा बना लेंगे यहाँ पे हमारी चैन जैसी आएगी ठीक है अब देखिए अब क्या करना है ये वाला फंदा हम उतार लेंगे इधर से उल्टी साइड से उतार लेंगे और ये देखिए और ये चार था अब हम फिर से ये दो जो कलर है ग्रीन वाले इनको येलो करेंगे ये देखिए एक दो ठीक है अब हमारे पास छः फंदे हो गए ठीक और यहाँ पे ये देखिए येलो इधर करेंगे ग्रीन को इसको ऊपर से लाएँगे अब यहाँ से जो जैसे है उसको वैसे ही बना लेंगे फिर से हम लास्ट में जो है दो फंदे छोड़ेंगे बिना बुने यहाँ पे फिर से हम देखिए अभी हमारे पास चार थे अब हम ये वाला दो फंदा छोड़ देंगे तो ऐसे बारी बारी से करते हुए हमें सोलह फंदे इधर से छोड़ देने हैं और सोलह फंदे इधर से हमें येलो कर लेने हैं जब हमारे बराबर हो जाएंगे उसके बाद फिर आगे चेंज करेंगे तो चलिए मैं कुछ आगे तक बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इतना बना लिया यहाँ तक ये देखिए और ये यहाँ तक हमने ये दो दो करके यहाँ तक फंदे छोड़ लिए और येलो से हमने यहाँ तक बना लिया अभी हमारे पास चार फंदे ये जो हैं ये बचे हुए हैं तो अब देखिए अब क्या करना है यहाँ से येलो फंदा हमने उतारा और देखिए कितने फंदे हुए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह ये हो गए फिर से ये अभी हमारे पास चार फंदे हैं ना तो इसमें से दो लेंगे चौदह फंदे हुए ये देखिए पंद्रह और एक है, 16, ये सोलह ये सोलह फंदे हमारे हो गए और यहाँ पे ये दो फंदा हमने छोड़ दिया ठीक तो देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह ठीक है सोलह यहाँ सोलह यहाँ यहा, यानी हमारे टोटल बत्तीस फंदे थे तो हमारे बराबर बराबर फंदे हो गए अब हम यहीं से वापस आ जाएंगे ठीक है हमने दो फंदे छोड़े वहाँ से वापस होते हैं और यहाँ से यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बना लेते हैं ये देखिए यहाँ से जो जैसे है उसको हम वैसे ही बनाएंगे यहाँ से कोई भी चेंज नहीं करना आपको ये देखिए ये सोलह फंदे हम पूरे बना लेते हैं ऐसे करके अभी ये हमारी हाफ़ कली जो है ये कंप्लीट हुई है अभी ये हाफ कली बनी है ये देखिए ये हमारी हाफ कली जो है बन के कम्प्लीट हुई है इसको भी फुल करना है ये ऊपर की ओर जाएगा ठीक है तो अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये देखिए अब क्या करना है अब हमें क्या करना है अब हमारे यहाँ पे ये देखिए ये फंदे जो है ग्रीन वाले छूट गए अब हमें येल्लो वाले से फंदे को छोड़ना है ठीक है दो दो करके ठीक अब हम येल्लो वाले सारे फंदे यहाँ तक छोड़ते हुए ऊपर तक आएंगे जब हमारे पास दो फंदे रह जाएंगे क्योंकि अब ग्रीन से नहीं छोड़ना हमें अब येलो वाले अब ग्रीन का भी काम नहीं है ये देखिए ये हो गए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये चौथों फंदे बनाए और ये दो हम येलो वाला छोड़ देंगे और यहीं से फिर से हम पीछे की ओर इधर से आ जाएंगे ऐसे ठीक है ये देखिए अब हमें ग्रीन वाले हमने सारे छोड़ दिए अब हम येलो वाले छोड़ेंगे ठीक है यहाँ से येलो फ़ंदा इसको या तो बना लीजिए या तो छोड़ दीजिए चलिए बना लेते हैं इसको ये देखिए यहाँ से जो जैसे है उसको वैसे ही बनाएंगे अब हमें येलो वाले में से दो दो फंदा जो है छोड़ना है ऐसे करके सारे फंदे आपके छूट जाएंगे और आप ऊपर तक आ जाएंगे हम सारे फंदे छोड़ते हुए ये देखिए हम ऊपर की ओर आए और फिर यहाँ से ये दो फंदा हमने छोड़ा इधर और अब दो अब ये दो फंदा छूटेगा देखिए फिर से यहाँ ये वाला उतारा फंदा हमने और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे बनाएंगे ये देखिए हमने यहाँ बना लिया फिर से ये वाला दो फंदा जो है इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे ठीक है फिर से यहाँ पे जो जैसे है हम उसको ऐसे बना लेंगे ये देखिए तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे येलो वाले में से दो दो फंदे छोड़ने हैं मतलब आपको जो बत्तीस फंदे सारे फंदे हमें छोड़ देने हैं ऐसे करते हुए तो चलिए हम छोड़ लेते हैं और ऊपर तक आते हैं छोड़ते हुए फिर आपको बताते हैं कैसे करना है अब येलो वाला आपको छोड़ना है ठीक है तो अभी हमने चार फंदा छोड़ा अब ये दो छोड़ेंगे फिर ये ये ऐसे करते हुए हम यहाँ दो फंदे जब हमारे पास रहेंगे तब आपको दिखाते हैं क्या करना है आप भी ऐसे बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक फंदों को छोड़ लिया और अभी हमारे पास दो तो चार दो छः फंदे हैं अभी छोड़ने के लिए तो अब देखिए हम फिर से छोड़ेंगे दूसरा फंदा अपना ये देखिए दो ये तीन और एक ये चार और यहाँ पे हमने फिर से ये दो फंदे छोड़ दिए हैं ठीक है ठीके? और यहाँ से हम फिर से पीछे की, इधर की ओर आ जाते हैं और यहाँ से जो जैसे उसको ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए ये ऐसे बना लिया हमने और ये देखिए बिल्कुल चैन सी आ रही है आप भी ऐसे ही बनाइएगा और अब हम आ जाते हैं इधर तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने ये बताना ही मतलब मैं भूल गई आपको ये क्या करना था यहाँ पे बीज से फंसाते हुए आपको ऊपर ले आना था ठीक है तो आप जब बनाइएगा तो ऐसे बीज से फसाते हुए लाइएगा उनसे तो अब देखिए हमारे पास चार फंदे हैं तो अब क्या करना है देखिए इसको उतारा हमने और यहाँ से एक दो ये हमने बनाया और ये दो फंदा हमने छोड़ दिया और यहाँ से फिर हम आ जाते हैं इधर की ओर और, और इधर से इसको बना लेते हैं एक और इसको बना लेते हैं सीधा तो ये देखिए ऐसे करते हुए हमारे जो सारे फंदे हैं दो दो करके देखिए छूट चुके हैं है ना ये देखिए यहाँ तो छूट गए और ये दो फंदे हमारे पास हैं तो अब देखिए अब क्या करना अब जब सारे फंदे आपके छूट जाएंगे तो उसके बाद हमें फिर से अपना ग्रीन कलर लगाना है और यहाँ पर हमारी जो कली है वो भी बन चुकी है तो अब देखिए स्टार्टिंग से फिर से हम यहीं आ जाएंगे जो हमारे स्टार्टिंग था यहाँ पर हमने फंदे डाले थे जब तो अब देखिए अब यहाँ पर जब दो फंदे हो गए तो ये अब येलो का काम नहीं उसको ऐसे करेंगे यहाँ से ग्रीन कलर से हम सारे फंदे जो हैं उनको बना लेंगे ये देखिए ऐसे करते हुए इसको खींच लेंगे थोड़ा सा और यहाँ से जो जैसे है पूरे फंदे जितने भी छूटे हुए थे सभी को हम ग्रीन कलर से बना लेंगे तो आप यहाँ पे ऊन को जो है फंसाते हुए आइएगा मैं फंसाना भूल गई तो आप फंसा लीजिएगा बीच बीच में तो ये देखिए यहाँ पे जो फंदे हैं सारे ग्रीन कलर से हो जाएंगे उल्टी साइड से ठीक है येलो वाले भी सारे ग्रीन से हो जाएंगे ये हमारे टोटल जो बत्तीस फंदे थे वो हमने बना लिया और एक कली भी हमारी बन के हो गई तो ऐसे ही करके सारी कलियाँ जो हैं वो बनेंगी ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया यहाँ पर पूरे फंदे जो है लास्ट तक सारे फंदों को हम उतार लेंगे ये देखिए हम लास्ट तक आगे बनाते हुए यहाँ पे सारे फंदे जो है हमारे उतर गए और यहाँ पे ये यह जो हमारी कली है वो भी कंप्लीट हो चुकी है ये देखिए बन के है ना तो अब फिर से वही चीज़ करना ये फंदा हम उतार लेंगे इसको बनाएंगे नहीं और यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे तो अब हमें फिर से वही स्टार्टिंग से करना है दो फंदे येलो करेंगे हम और दो फंदे ग्रीन के छोड़ेंगे जैसे हमने बताया था अभी वैसे ही करते हुए आपको सारे कलियों को जो है बना लेना है तो आपकी जितनी भी कली बने अगर आपका हाथ जैसा चलता हो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कर आप बना लीजिए जब तक राउंड ना हो जाए तब तक कलियों को आप बना लीजिएगा जब ये बराबर बिल्कुल आ जाएंगे राउंड सेप में फिर आप बंद कर दीजिएगा वहाँ पे ये देखिए यहाँ से पूरी दो सिलाई बना लेनी है हमें मतलब एक रो पूरा उल्टा सीधा पूरा बना लेना है क्योंकि डिज़ाइन जो है उल्टी साइड से बनेगी ये लास्ट का फंदा जो है हम सीधा बना लेंगे ये देखिए ठीक है यहाँ पे हमने बना लिया इसको ये देखिए ये हमारी एक कली जो है ये बिल्कुल ऐसे करके कंप्लीट हो चुकी और ऐसे ही अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे दूसरी कली को तो दूसरी कली बनाने के लिए देखिए फिर से हमें वही चीज़ करना है जो हमने किया था ठीक है हमारे यहाँ पे ये देखिए हमारा येलो ये कलर का ऊन लगा हुआ है तो अब हम यहाँ से दो फंदे जो है येलो कर देंगे ग्रीन को ये देखिए एक एक देखिए दो दो फंदे हमने कर दिए और बाकी जो सारे फंदे हमारे वो ग्रीन से हो जाएंगे और दो फंदे लास्ट के हम छोड़ देंगे यहाँ से ऐसे बनाएंगे और दो फंदे जो हैं लास्ट के छोड़ेंगे यहाँ से दो फंदे जो है लास्ट के छोड़ देंगे तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था दो दो फंदा छोड़ रहा था और यहाँ से दो, दो दो फंदा जो है येलो कर दिया तो सेम वैसे ही बनाना है तो चलिए हम बना लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं ये बनने के बाद कुछ कैसा लगेगा ठीक है ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ तक तो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और ये हमारी कितनी कलियों में बनी ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह कली में ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई और यहाँ तक हमने पूरा बना लिया और अब हमें ग्रीन से इसको घटाना है लास्ट में जब आप भी यहाँ ये देखिए यहाँ पे हमने सारे दो दो फंदे करके छोड़ लिए यहाँ से ये देखिए सीधी साइड से इधर तो अब हमें लास्ट में क्या करना है अब हमें यहाँ से पूरे फंदों को घटा देना है तो घटाएँगे हम ग्रीन कलर से ये देखिए इसको ऐसे करेंगे इधर से हम इसी कलर से घटा देंगे दो का कर एक करते हुए सारे फंदों को क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ग्रीन से ही फंदे वगैरह डाले थे इसलिए ये देखिए यहाँ से हम इसको दो का कर एक करते हुए घटा देंगे सारे फंदों को ग्रीन को ग्रीन से येलो को भी ग्रीन से ये देखिए ये ऐसे करते हुए चलिए हम सारे फंदों को घटा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए सॉरी ये देखिए ऐसे हमने घटाया चलिए घटा लेते हैं इसको तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये देखिए ये हमने सारे फंदों को यहाँ से घटा दिया ग्रीन कलर से और यहाँ पे हमने लास्ट फंदा ये जो था यहाँ पे घटा करके एक फंदे को इतने लंबे ऊन को हमने यहाँ पे छोड़ लिया और यहाँ से अब हम इसको सिलाई कर देंगे तो सिलाई बिल्कुल सिंपल सी जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है ये देखिए हमारा ये ग्यारह कलियों कम्प्लीट हुआ आपका अगर हो सके तो बारह कलियों में भी आप इसको कर सकते हो लेकिन हमारे ग्यारह में ही पूरा राउंड से आ गया ये देखिए बिल्कुल इसलिए हमने इसको ऐसे बंद कर दिया है ग्यारह में तो चलिए देखते हैं अगर आपका गैप ज़्यादा लगेगा तो आप बारह कली बना लीजिएगा बारह में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से यहाँ से अब हम इसे नोट लगा देंगे यहाँ से देखिए हमने नोट लगाया अब यहाँ पे आपके जो ये होल है यहाँ पे छोटा है है ना अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे कोई पम्पम वगैरह भी लगा सकते हो और चाहो तो इसको स्टिच कर दो तो मैं यहाँ से स्टिच कर देती हूँ इसको ठीक है मैं पूरे गैप को, जो भी है मैं इसको पूरा पैक कर देती हूँ तो इसको, इसको पैक करने के लिए यहाँ से आपको सिलाई करना शुरू करना होगा ये देखिए हमने ऐसे किया यहाँ से ऐसे लेते हुए उठाते हुए फंदों को हल्के हाथ से ये देखिए ऐसे ठीक है सारे फंदों को आपको सिलाई लगा देनी है ये यह यहाँ से ऐसे तो चलिए इसको हम पूरा ऐसे सिल लेते हैं इसको पकड़ते हुए यहाँ से पूरा सिल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको पूरा सिलाई लगा लिया और ये इतने सफाई के साथ बना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलाई हमने कहाँ से लगाई है तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सिलाई जो है यहाँ से लगी है मैं आपको दिखा दूँ ये देखिए बिल्कुल सफाई से लगी और पीछे से भी बिल्कुल ही सफाई के साथ बना हुआ है ये तो ये देखिए आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आपका बारह कली में भी बन सकता है और ये ग्यारह में भी बन सकता है वो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है किसी किसी के हाथ जो है थोड़े टाइट चलते हैं किसी के हाथ थोड़े लूज़ चलते हैं उस हिसाब से ठीक है तो यहाँ पे हमारा ग्यारह कली में ये कम्प्लीट हो गया और बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल चक्र जैसा बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा चक्र के आकार का आ रहा है देखने में तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं ये पैंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ठीक है और ये आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो कि क्योंकि आप लोग के बहुत से कमेंट आते थे कि तीस फंदे में कैसे बनेगा तो फ्रेंड्स ये तीस में नहीं बनेगा ये बत्तीस फंदों में बनेगा या अट्ठाईस फंदों में बनेगा ठीक है तो तीस और बत्तीस में बहुत फ़र्क नहीं है आप दो फंदे बढ़ा लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें ठीक है चलिए आज की वीडियो करते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर